एन एच टू हो गया ये आपका सीओ ओ एच लिखती है मैंने इस तरीके से लिखती है तो यहाँ क्या हो सकता है देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिया है तो हाइड्रोजन एसिडिक है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हो सकता है लोन पेयर होता है तो हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो सकता है या मैं कहूँगी प्रोटोन ट्रांसफर हो सकता है तो ये बना सकता है सी एच टू सीओ नेगेटिव ठीक है ये नेगेटिव का साइन ही लगाओ और ये बन जाएगा आपका एन एच थ्री पॉजिटिव तो आप देख रहे हो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दोनों साइन एग्जिस्ट करते हैं तो ये ज्विटर आयन बन सकता है तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है सेकंड में देखो सेकंड में लिखा CH3COOH तो आप यहाँ पे आ, पॉजिटिव आ, ये तो देख सकते हो कि H+ आयन डोनेट किया जा सकता है बट किसको डोनेट किया जाएगा लेने वाला तो कोई दिख नहीं रहा यानी कि अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो ये ऐसे कर सकता है पाएगा इसको मैं ऐसे दिखा सकती हूँ ठीक है ये बन सकता है CH3 COO- H पॉजिटिव ठीक है तो आप देख रहे हो मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ एक ही चार्ज आ रहा है नेगेटिव क्या लिखा हुआ है सी एच थ्री सी एच टू एनएच टू सी एच थ्री सी एच टू एन एच टू अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है तो ये कहीं से क्या कर सकता है प्रोटोन एक्सेप्ट कर सकता है अगर मान लो कहीं से प्रोटोन आ गया तो ये बना सकता है सी एच थ्री सी एच टू एनएच थ्री पॉजिटिव तो ये कैटायन के फॉर्म में आ सकता है बट जुटरायन के फॉर्म में नहीं आ सकता राइट right. सिमिलरली आपका ये देखो फोर्थ में देखो सी थ्री एनओ टू तो सीसीएल थ्री एनओ टू कैसा होगा कुछ ऐसा होगा ना सी ती, इससे तीन क्लोरीन लगे हुए या, ये एनओ टू एनओ टू कैसा होता है कुछ ऐसा ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है तो इसे हम ज्विटर आयन फॉर्म नहीं कह सकते दिस इज नॉट द ज्विटर आयन फॉर्म ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सिर्फ इतना ही दिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज का मतलब ऑक्सीजन ने कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है सिर्फ इतना दिखा रहे हैं राइट इससे ज्यादा और कुछ नहीं दिखा रहे हैं राइट तो ये ज्विटर आयन नहीं है जुइटर आयन तभी बन सकता है जब प्रोटोन का ट्रांसफर होता है विद इन द सेम मॉलिक्यूल सो यहां पर तो कोई प्रोटोन का ट्रांसफर नहीं हो रहा सो so ये ज्विटर आयन नहीं है ठीक है सो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ से गलत हो जाता है I hope you understood this question really very well. Keep first option correct, rest are incorrect. Thank you.